नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। चुनावी मौसम में फिल्मी सितारों के जादू के सामने नेताओं का कद घटता नजर आ रहा है। हालत यह है कि इस चुनावी मौसम में बड़े बड़े कांग्रेसी नेता और मंत्री भी आजकल फिल्मी अभिनेत्रियों की छतरी संभाले इसलिए साथ चल रहे हैं कि कहीं इन फिल्मी सितारों को गर्मी ना लग जाए। इलाहाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने पहुंची फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कांग्रेस के लिए वोट मांगी। देखने वाली बात यह थी कि जैसे अमीषा पटेल रोड शो शुरू हुआ तो उनके साथ चल रहे केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने अमीषा पटेल को धूप से बचाने के लिए खुद छतरी लेकर उनके पीछे खड़े हो गए। लोकसभा के चुनाव के में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित सीटों में से एक मथुरा लोकसभा पर जहां बीजेपी पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हेमा मालिनी के पक्ष में जनसभा कर वोट मांगी, तो वहीं आरएलडी प्रत्याशी जयंत चौधरी के रोड शो में फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि मथुरा से जयंत चौधरी सांसद हैं, लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को चुनाव मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सिन्हा ने अपना दमखम दिखाते हुए नामांकन किया। मनोज सिन्हा के रोड शो में पहुंचे बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। जहां अमित शाह ने सपा बसपा पर जातिगत राजनीति का आरोप लगाया, तो वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कोयला घोटाले को लेकर हमला बोला। अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए इस बार इस तरह की वोट करो कि करंट इटली में लगे। कि मैं भ्रष्टाचार की बात करने जाऊं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कृपा करके चलिए मैदान में। कोयले में चोर भी समझता है क्या चोरी करना है यार। कांग्रेसी तो चोरों ने जिसको नहीं चोरा वो कोयला भी खा गए। कोयले तक को कमल के निशान पर बटन इतना जोर से दबाइएगा कि बटन तो गाजीपुर में दबे, करंट इसकी इटाली में लगे। अपने गलत बयानबाजी के कारण विरोधियों के हिट लिस्ट पर आए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर केंद्रीय मंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने जमकर हमला बोला। मीडिया से रूबरू होते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इस सोच से पाकिस्तान बना है और ये लोग एक बार फिर एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अगर उन लोगों की सोच यही रही तो हिंदुस्तान का बचना बहुत मुश्किल होगा। गौरतलब है कि गिरिराज ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इसी सोच ने पाकिस्तान बनाया है और मेरे ख्याल से ये आप नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अगर यही सोच इनकी रही तो इनके लिए हिंदुस्तान बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो उन लोगों को नंगा करना चाहिए जो यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का इतिहाद खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अमृतसर से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण जेटली के समर्थन करते हुए पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार लोकपाल की नियुक्ति करने में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही है। चुनाव से पहले ऐसी नियुक्ति ना तो नैतिक रूप से ठीक है और ना ही संवैधानिक रूप से। केंद्र सरकार की विदाई का बिगुल बज चुका है तो नियुक्तियां का नगाड़ा बजाने लगे हैं। गौरतलब है कि अरुण जेटली ने अमृतसर में बयान दिया था कि लोकपाल के गठन के लिए यूपीए सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रही है। कि जिस तरह से हड़बड़ी में ये चौतरफा गड़बड़ियां हो रही हैं, अभी तक तो ये सरकार गड़बड़ी की सरकार थी, अब जब इनकी विदाई का बिगुल बज चुका है तो नियुक्तियों का नगाड़ा बजा रहे हैं। इसलिए ना तो ये नैतिक रूप से ठीक है और ना ही संवैधानिक रूप से। चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नेताओं की जुबान फिसलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मेरठ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी फिल्म अभिनेत्री नगमा ने रायपुर में मीडिया से बात कर मुजफ्फरनगर के राइड्स के टाइम पर भी बीजेपी के एमएलए ने भड़काऊ भाषण दिया था, उन्होंने हेट स्पीच दिया था। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, उनको ऑनर किया, उनका सत्कार किया। समझना चाह रही हूँ कि आज अगर फिर से गिरिराज सिंह ने ऐसी बात की है, आज जिलानी जी भी तो फिर एक देश के
जिम्मेदार जिनको भारत रत्न मिला है, जिम्मेदार वासी हैं, अगर वो नहीं प्रमोट करना चाहते, नहीं सपोर्ट करना चाहते तो गिरिराज जी के हिसाब से तो उन्हें भी पाकिस्तान जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है उन सबको जाना चाहिए। बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत अब लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दरअसल राखी सावंत अपनी राष्ट्रीय आम पार्टी के लिए ऑटो में घूमकर बड़े जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। आपको बता दें कि मशहूर ड्रामा क्वीन राखी मुंबई के नॉर्थ वेस्ट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए राखी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस सीट पर उनकी जीत होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर वो जीत कर आती हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए बड़ा मुद्दा होगा। घोषणा पत्र में मैंने पहला कहा था कि सबसे पहले महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षित कब होगी? जब उसके पास काम धंधा होगा। बहुत जल्द जीत के आऊंगी मैं लोकसभा चुनाव और बहुत जल्द 15,000 से 20,000 लाइसेंस निकालूंगी रिक्शा के, बस के, कि मैं किसी की वस्तु बनाना नहीं चाहती। मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। कोई भी पार्टी बोले उठो बैठो, तो इसीलिए मैंने अपनी पार्टी खुद बनाई। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और बीजेपी के बीच की तकरार बढ़ती जा रही है। बचाव में गिरी खड़ी बीजेपी पर गिलानी लगातार हमले किए जा रहे हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए गिलानी ने कहा कि ये तो मोदी से ही पूछिए कि वो दूत कौन था जिसके प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले गिलानी ने एक बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी ने कुछ कश्मीरी पंडितों को दूत बनाकर हमारे पास भेजा था कश्मीरी मुद्दे पर बात करने के लिए, जिसको बीजेपी ने खंडन कर दिया था। लोगों को आपके साथ मुलाकात करने का इजाजत है और हम उनके साथ मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गुजरात में उनके हाथों 3,000 मुसलमानों को बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, इसलिए हमने उनको उनकी वो पेशकश मुस्तरद कर दी, ठुकरा दी। दंगों के दाग इतने गहरे होते हैं कि जिस पर लग जाएं आसानी से निकलते नहीं, चाहे वो दाग भाजपा के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर लगे हों या फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता जगदीश टाइटलर पर। जैसे ही अमृतसर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह 1984 के दंगों को लेकर जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी, वैसे ही बीजेपी के सहयोगी पार्टी अकाली दल ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे अवरोधकों को भी तोड़ने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी का बौछार का भी प्रयोग किया। जो टाइटलर और सज्जन हमारे कातिल हैं, हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं? हम इलेक्शन कमीशन को भी लिख रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, लोगों को बता देंगे कि यह माँ बेटा सिखों के कातिल है, इसका परिवार कातिल है और अमरिंदर सिंह इनका टाउट है। इसी हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्म टू स्टेट्स को मिल रहे जनता का प्यार और कमाई ने फिल्म को हिट के काफी करीब लाकर खड़ा कर दिया है। बीती रात मुंबई में इस फिल्म के स्टार कास्ट आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर फिल्म को मिल रही सफलता का जायजा लेने सिनेमाघरों में गए। गौरतलब है कि उन्होंने फिल्म का प्रमोट भी किया। इसी मौके पर आलिया और अर्जुन काफी खुश दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि फिल्म टू स्टेट्स मशहूर उपन्यासकार चेतन भगत के उपन्यास टू स्टेट पर आधारित है, जिसको अभिषेक वर्मन ने निर्देशित किया है। The love that the film is getting, whether it's on Facebook, Twitter, जो first day first show का reaction आया है, सब जगह जो हमने सुना है, देखा है, जो मुझे आज तक इतने phone call messages नहीं आए हैं, so I think it's a very positive sign. Obviously, जो warmth महसूस होता है when you go to a theater to see your film, especially हम वो पहले दिन भी गए थे और अब संदीप का भी आए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।